हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन नंबर सेकंड ऑफ क्लास थर्ड, माय होम योर होम। इट मींस मेरा घर तुम्हारा घर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू माउस। वन माउस नेम इज मिस्टी एंड अदर इज मिकी। सो वन डे मिस्टी कॉल्ड मिकी टू विजिट इन द कंट्री। मिस्टी मिकी को अपने यहाँ घूमने के लिए बुलाता है, तो मिकी जो है घूमने के लिए आता है। व्हेन मिकी अराइव्ड, बोथ सेट डाउन एंड मिस्टी गेव मिकी बार्ले एंड द कॉलीफ्लावर टू ईट। मिस्टी जो है मिकी को जो और गोभी खाने के लिए देता है, लेकिन मिकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता फूड। एंड ही सेड, ओ रियली यू डू नॉट ईट वेल, यू शुड कम टू माई सिटी। इसलिए मिस्टी जो है मिकी के यहाँ पर एक दिन विजिट करता है। मिस्टी विजिटेड मिकी वन डे एंड व्हेन ही रीच्ड देयर मिकी टुक हिम टू द कबर्ड। मिकी जो है वो उसे कबर्ड में लेके जाता है, लोएस्ट शेल्फ में, जहाँ पर वो उसे ब्राउन शुगर देता है। मिस्टी लाइक द टेस्ट ऑफ ब्राउन शुगर वेरी मच। मिकी को टेस्ट बहुत पसंद आया। सडनली कुक मैरी ओपन द डोर ऑफ किचन। सडनली जो है कुक आती है मैरी, और मिकी जो है अचानक से भाग जाता है और मिस्टी उसके पीछे भागता है, और मिस्टी जो है वो डर के मारे पूरा हिलने शेकिंग ओवर हो जाता है, हिलने लग जाता है। मिकी उसे समझाता है कि डोंट बी अफ्रेड, शी विल सून गो अवे, और हम फिर वापस जाएंगे कबर्ड में। इस बार वह उसे टॉप शेल्फ में लेके जाता है, जहाँ पर उन्हें किशमिश यानी रेजिन का जार दिखाई देता है। वो बड़ी मुश्किल से टगिंग और पुलिंग करते हुए एक रेजिन्स को निकालते हैं और शेल्फ पे रख देते हैं, और दोनों स्टार्ट करते हैं उसे निबल करना। निबल मतलब टुकड़े टुकड़ों में काटना। तो जैसे ही वो इसे काट रहे होते हैं, सडनली द कैट बेला केम टू द किचन। सो मिकी जो है वो भागता है और उसके पीछे पीछे मिस्टी भी भाग जाता है। दिस टाइम मिस्टी फील सो स्केयर, सो ही डोंट वांट टू गो बैक। सो बट मिकी टुक हिम टू द सेलर, यानी कि स्टोर रूम। मिकी जो है वो एक स्टोर रूम में लेके जाता है, जहाँ पे ग्रेन, जैम और बंच ऑफ अनियंस, पिकल्स की स्मेल्स जो है बड़ी तेज आ रही होती है। मिस्टी एट सम ग्रेन। सडनली ही सा ए पीस ऑफ चीज इन द कॉर्नर ऑन वन स्टैंड। ही जस्ट गोइंग टू ईट इट, मिकी सॉ दैट एंड क्राइड, प्लीज डोंट टच इट, दिस इज ए ट्रैप। एज सुन एज यू ईट इट, समथिंग हैवी कम टू योर हेड एंड यू विल बी डेड। अगर तुम इसे खाओगे या टच करोगे तो कुछ भारी तुम्हारे आएगा और तुम मर जाओगे, डेड हो जाओगे। दिस टाइम मिस्टी फील सो स्केयर्ड एंड ही थॉट इज वेरी गुड फूड अवेलेबल इन द सिटी लाइक ब्राउन शुगर, रेजिन्स, पिकल्स, ग्रेन्स, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्राइटेन टू डेथ ऑल द टाइम, इट इज़ वेरी स्केरी। मीन्स यानी कि शहर में बहुत अच्छा खाना मिलता है, जैसे कि ब्राउन शुगर, किशमिश, पिकल्स, ग्रेन्स, लेकिन यहाँ पे हर समय मरने का डर है, इससे तो अच्छा है मैं अपने घर ही चला जाऊँ। कंट्री में बार्ले और कॉलीफ्लावर मिलता है, लेकिन वहाँ पर कम से कम मरने का डर तो नहीं है। सो वो वापस चला जाता है। मिस्टी गो बैक टू द कंट्री एंड ही नेवर केम बैक टू द सिटी। सो वी गोइंग टू स्टार्ट द लेसन। व्हाट मे बी ए परफेक्ट होम फॉर वन पर्सन मे नॉट सूट अनदर पर्सन एट ऑल। इट मीन्स वॉट मे बी अ परफेक्ट होम फॉर वन पर्सन, मतलब कि अगर एक पर्सन के लिए कोई अगर परफेक्ट होम एक पर्सन के लिए है, तो मे नॉट सूट अनदर पर्सन एट ऑल। तो जरूरी नहीं है कि वो अनदर पर्सन को भी वो उतना ही सूट और परफेक्ट लगे। जैसे कि एक पर्सन का जो घर होता है, उसमें जो कुछ भी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो जो चीजें हैं और फूड है वो अनदर पर्सन को भी उतना ही अच्छा लगे। इज दैट ट्रू फॉर पीपल एज वेल एज द माइस। ये सच है पीपल्स के लिए, लोगों के लिए, पर्सन्स के लिए, और माइस यानी कि चूहों के लिए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। चलो ये जो स्टोरी है इससे पता लगाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल माउस कॉल्ड मिस्टी। सो एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल माउस कॉल्ड मिस्टी। देयर वॉज ए लिटिल माउस यानी कि एक माउस था जिसका नाम था मिस्टी। सो इट वॉज ए माउस एंड इट नेम इज मिस्टी। ही लिव्ड इन द कंट्री। सो ही लिव्ड इन द कंट्री। वॉट इज कंट्री? कंट्री वी कैन सी हेयर।
कंट्री इज ओपन स्पेस अवे फ्रॉम टाउन, यानी कि ऐसा स्पेस जो कि शहर से दूर है और ओपन है. तो कंट्री इज द स्पेस, ओपन स्पेस एंड इट इज फार फ्रॉम सिटी. सो ये जो माउस था वो एक कंट्री ओपन स्पेस में रहता था जो कि सिटी से दूर था. वन डे ही आस्क्ड ए लिटिल माउस कॉल्ड मिकी फ्रॉम द सिटी टू विजिट हिम. वन डे ही आस्क्ड ए लिटिल माउस कॉल्ड मिकी. सो ही कॉल्ड अनदर माउस एंड इट नेम इज मिकी फ्रॉम द सिटी एंड इट वॉज फ्रॉम सिटी टू विजिट हिम. सो जो मिस्टी है वो अनदर माउस जो मिकी जो कि एक शहर में रहता है उसको अपने यहाँ पर विजिट करने के लिए बोलती है. व्हेन मिकी अराइव्ड, सो मिकी जैसे कि उन्होंने बुलाया विजिट किया तो मिकी अराइव्ड, मिकी आ जाती है. दिस सेट डाउन फॉर डिनर, और वो बैठ जाते हैं डिनर के लिए. मिस्टी गेव हिम बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट. सो मिस्टी ऑफर्ड हिम बार्ले, मिस्टी सर्व्ड हिम बार्ले, बार्ले मीन्स जो, एंड कॉलीफ्लावर टू ईट, और कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी. सो मिस्टी सर्व्ड हिम बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट. मिकी वाज सरप्राइज्ड, मिकी जो है वो सरप्राइज हो जाता है. अब मिकी सरप्राइज क्यों हो जाता है? रियली ही सेड यू डू नॉट ईट वेल एट ऑल. अब वो कहता है कि सच में तुम लोग अच्छा नहीं खाते. यू शुड सी हाउ आई लिव. अब मिक्की जो है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो खाना होता है बार्ले और कॉलीफ्लावर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो सोचता है कि ये जो मिस्टी है ये यहाँ दूर शहर से दूर रहते हैं और ये ऐसा खाना खाते हैं, तो वो बहुत उसका खाना देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं आता. सो यू शुड सी हाउ आई लिव. तो मिक्की जो है वो मिस्टी को कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए कि हम कैसे रहते हैं. I have all sort of fine things to eat every day. मेरे पास सारी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए हर रोज. So, तो जो मिक्की है वो मिस्टी को कहता है कि you should see what I have fine things to eat every day. You must come to visit me. अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम क्या खाते हैं शहर में. It is really very nice to live in the city. और ये सच में बहुत ही अच्छा है शहर में रहना. तो क्योंकि शहर में बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को लिए मिलता है, तो मिक्की कहता है कि अगर आप आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां पे कितना अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है. लिटिल मिस्टी डिड जस्ट डेट. लिटिल मिस्टी ने ऐसा ही किया. क्या? इफ यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद ही वेंट टू द सिटी टू विजिट हिज फ्रेंड. सो वो अपने विजिट यानी कि अपने मिक्की दोस्त के पास घूमने के लिए जाता है. मिक्की टुक मिस्टी टू ए कबर्ड. अब मिक्की जो है वो मिस्टी को कबर्ड, सबसे पहले एक कबर्ड में ले जाता. कबर्ड क्या होता है? लकड़ी की अलमारी. सो मिक्की टुक मिस्टी टू ए कबर्ड. इट वॉज इन द किचन ऑफ द हाउस. सो जो कबर्ड कबर्ड कहाँ थी? कबर्ड वॉज इन द किचन ऑफ द हाउस वेयर ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता था. दे क्लाइम्ड ऑन टू द लोअर शेल्फ. अब वो चढ़ जाते हैं, क्लाइंब मतलब चढ़ जाते हैं. दे क्लाइंड ऑन टू द लोअस्ट शेल्फ. अब वो सबसे छोटी शेल्फ पे चढ़ जाते हैं. देयर बिहाइंड सम स्टोन जार. और कबर्ड में सबसे लोअस्ट शेल्फ पे सम स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर की जार, पत्थर की जार रखी होती है. पत्थर की जार देखो यहाँ पे, ये देखो ये पत्थर की जार है और यहाँ पे इनमें क्या है? शुगर है. तो इनमें शुगर रखी होती है. स्टूड ए बिग बैग ऑफ ब्राउन शुगर. तो वहां पे पत्थर की जो जार होती है उनमें एक बड़ा बैग होता है ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर यानी कि ब्राउन कलर की शुगर है उसमें रखी होती है, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं. लिटिल मिक्की ग्नॉड ए होल इन द बैग. अब जो लिटिल मिक्की है वो अपने दांतों से उसको काट देता है. यानी कि दांतों से काटना क्या होता है? ग्नॉड. तो मिक्की जो है वो एक होल कर देता है दांतों से और बैग को काट देता है. Then he invited his friend to have some sugar. अब वह अपने friend को invite करता है sugar लेने के लिए. The two little mice nibbled and nibbled. तो जो दोनों चूहे होते हैं, तो दोनों छोटे छोटे जो चूहे होते हैं, nibble and nibble. Nibble मतलब
देखो यहाँ पे जो निबल्ड है उसका मतलब होता है टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के खाना। तो जो दोनों छोटे लिटिल माउस होते हैं उन्हें काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके कुतर के खा रहे होते हैं। मिस्टी थॉट इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस थिंग ही हैड एवर ईटन। अब मिस्टी ने सोचा कि इट वॉज द मोस्ट डिलीशियस, इट इज वेरी टेस्टी थिंग ही हैड एवर ईटन। इट मीन्स कि मिस्टी नेवर ईटन सच ए टेस्टी थिंग बिफोर। हाउ लकी मिकी इज। नाउ मिस्टी इज थिंकिंग कि जो मिक्की है, इस मिक्की इज वेरी लकी। ही थॉट एज ही एट, मतलब कि जब वो खाता है, ही थॉट ड्यूरिंग ही एट। सडनली द डोर ओपन विद ए बैंग। अचानक क्या होता है, डोर ओपन होता है विद ए बैंग, यानी कि एक बैंग की खट की आवाज होती है डोर ओपन होने की। और क्या होता है, द कुक मैरी वॉन्टेड टू गेट सम फ्लोर। अब जो कुक है, यानी कि मैरी नाम का एक कुक है, वो क्या करना है, ही वॉन्टेड टू गेट सम फ्लोर। अब वो ही वॉन्टेड टू टेक सम फ्लोर, ही फ्लोर मतलब आटा, यानी कि वो कुछ आटा लेना चाहता था। रन, विस्पर मिकी। मिक्की ने विस्पर, यानी कि बहुत ही धीरे, विस्पर मतलब बहुत धीरे से कहना। तो मिक्की जो ने कुछ फुसा के कहा, भागो एंड रन एज फास्ट एज दे कुड। और वे दोनों के दोनों भागते हैं जितनी तेजी से वे भाग सकते हैं। दे रस्ट इन टू द लिटिल होल फ्रॉम वेयर दे हैड कमिंग। वे भागते हैं, वे भागकर उसी होल में, इस छोटे से होल में वो घुस जाते हैं जहां से वे आए थे। पुअर मिस्टी वॉज शेकिंग ऑल ओवर। और ये जो सब कुछ होता है उससे जो पुअर मिस्टी है वो इतना डर जाता है कि वो पूरी तरह से डर के मारे हिल जाता है। हाउ एवर मिक्की सेड, हालांकि मिक्की उसे कहता है, दैट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, शी विल सून गो अवे, वो जल्दी ही चली जाएगी, देन वी कैन गो बैक, और हम वापिस चले जाएंगे। तो लेकिन जो मिस्टी है, क्योंकि वो बाहर से आती है, वो बहुत डरती है, लेकिन मिक्की नहीं डरता क्योंकि वो डेली वही रहता है, और वो उसे थोड़ा सा कंसोल करता है कि अभी चली जाएगी, डरो मत। आफ्टर द कुक हैड गॉन अवे एंड शट द डोर, मतलब कि जो कुक है जैसे ही वो चली जाती है और डोर बंद कर देती है, दे स्टॉल सॉफ्टली बैक, तो वो धीरे से वापस चले जाते हैं। यहाँ पे स्टॉल सॉफ्टली बैक, यहाँ पे यू कैन सी हियर, स्टॉल सॉफ्टली बैक मीन्स वेंट बैक वेरी क्वाइटली, यानी कि चुपचाप से जाना। दिस टाइम मिक्की हैड समथिंग न्यू टू शो मिस्टी। अब मिक्की के पास समथिंग कुछ न्यू है मिस्टी को दिखाने के लिए। ही टुक मिस्टी इन टू ए कॉर्नर ऑन द टॉप शेल्फ। जो मिक्की है, मिस्टी वो मिस्टी को अब टॉप शेल्फ, पहले वो सबसे लोएस्ट शेल्फ पे लेके गया था, अब वो कबर्ड के टॉप शेल्फ पे लेके जाता है जहाँ पे उसे कुछ न्यू मिलेगा। ए बिग जार ऑफ रेजिन स्टोर देयर। आप वहां पे क्या होता है कि एक बिग जार रेजिन्स का वहां पे खड़ा होता है, जो कि ओपन, यानी कि वो ओपन होता है। आफ्टर मच टगिंग एंड पुलिंग, यानी कि बहुत ज्यादा खींचने और के बाद, और दे गॉट ए लार्ज रेजिन आउट ऑफ द जार ऑन टू द शेल्फ एंड बिगिन टू निबल एट इट। अब उन्हें दे गॉट ए लार्ज रेजिन, यानी कि उन्हें एक बड़ी सी किशमिश, रेजिन मतलब किशमिश, दे गॉट ए लार्ज रेजिन आउट ऑफ द जार ऑन टू द शेल्फ एंड बिगिन टू निबल इट, यानी कि उन्होंने जार से एक बड़ी किशमिश निकाली और शेल्फ पे रख के उन्होंने शुरू किया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में खाना। तो उन्होंने एक बहुत ही खींचतान और टगिंग और पुलिंग के बाद, सो दे सक्सीड टू गेट ए लार्ज रेजिन एंड दे स्टार्ट टू ईट एट इट। दिस वॉज इवन बेटर देन द ब्राउन शुगर। सो द टेस्ट ऑफ रेजिन इज बेटर देन ब्राउन शुगर। मिस्टी लाइक द टेस्ट सो मच डेट ही एट इट एज फास्ट एज ही कुड। सो मिस्टी लाइक द टेस्ट ऑफ रेजिन वेरी मच एंड ही स्टार्ट टू ईट वेरी फास्ट। ऑल एट वंस दे हार्ड इज स्क्रैचिंग एट द डोर एंड ए शार्प लाउड म्याऊ। सो अचानक सडनली क्या होता है, दे हार्ड इज स्क्रैचिंग एट द डोर। दे हार्ड ए साउंड ऑफ स्क्रैचिंग एट द डोर एंड
शार्प, एक तेज लाउड म्याऊ, यानी कि उन्होंने एक शोर सुनाई देता है उन्हें, एक स्क्रैचिंग का, यानी कि स्क्रैचिंग यानी कि खुरचने का उन्हें साउंड सुनाई देता है, और एक तेज आवाज सुनाई देती है, और क्या होती है वो आवाज, म्याऊ, यानी कि ये जो आवाज सुनाई देती है उन्हें और स्क्रैच सुनाई देता है। व्हाट इज दैट, आस्क्ड मिस्टी अलार्म्ड। सो मिस्टी जो है, क्योंकि उसने पहले ये साउंड नहीं सुनी होती, तो मिस्टी कहती है व्हाट इज दैट, ये क्या है। मिक्की विस्पर्ड, मिक्की जो है उसे फुसफुसा के कहते श, मतलब कि चुप हो जाओ। देन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड टू द होल, और वो जो है मिक्की जो है वो बहुत ही तेजी से भागता है जितनी तेजी से वे भाग सकता है होल की तरफ। मिस्टी रैन आफ्टर हिम, मिस्टी भी उसके पीछे भाग जाती है। एज सून एज दे वर आउट ऑफ डेंजर, मिक्की सेड, जैसे ही वे मतलब कि फील करते हैं, एज सून एज द माउस फेल्ट आउट ऑफ डेंजर, सो मिक्की उसे कहता है, मिक्की सेड डेट वॉज बेला, वह बेला थी, द ओल्ड कैट, एक पुरानी कैट, शी इज द बेस्ट माउजर इन द टाउन, और ये एक बेस्ट माउजर, बेस्ट माउजर मीन्स यानी कि जो चूहों को पकड़ती है, यानी कि वो चूहों को पकड़ने की एक बेस्ट माउजर, यानी कि माउजर है टाउन में। इफ शी कैचिज यू, अगर उसने पकड़ लिया, यू आर लॉस्ट, तुम गायब हो जाओगे। सो अब वो कहती है कि इट इज ओल्ड कैट एंड इफ शी एबल टू कैच यू, यू विल बी लॉस्ट। दिस इज रियली टेरिबल, ये बहुत ही डरावना है। सो जो मिस्टी सोचती है, मिस्टी कहती है कि ओह ये तो बहुत हॉरिबल, यानी कि ये तो बहुत टेरिबल है, मिस्टी ने कहा। लेट इस नॉट गो बैक टू द कबर्ड अगेन, अब मिस्टी जो है वो स्केयर्ड हो जाती है, मिस्टी डर जाती है, एंड मिस्टी और वो स्केयर होने के बाद मिस्टी कहती है कि अब हम वापिस कबर्ड में नहीं जाएंगे। नो सेड मिक्की, मिक्की कहती है कि नहीं, बट आई विल टेक यू टू द सेलर, लेकिन मैं तुम्हें अब कहाँ लेके जाता हूँ, सेलर, मैं तुम्हें अब सेलर में लेके जाऊंगा। अब सेलर क्या है, सेलर एक अंडरग्राउंड जैसे रूम होता है, जैसे कि ग्राउंड से नीचे जो अंडरग्राउंड रूम होता है उसे सेलर कहा जाता है, जिसे हम एज ए स्टोर रूम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेलर का मीनिंग जो बताया हुआ है, सेलर रूम बिलो ग्राउंड लेवल इन ए हाउस ऑफन यूज टू स्टोर थिंग्स। तो कई बार हम एक स्टोर रूम बना लेते हैं अंडरग्राउंड, तो उसे सेलर कहते हैं। बट आई विल टेक यू टू द सेलर, मैं तुम्हें सेलर लेके जाऊंगा। देयर इज समथिंग स्पेशल देयर, और वहां पे कुछ स्पेशल है। सो मिक्की टुक हिज लिटिल फ्रेंड डाउन द सेलर स्टेयर्स, अब मिक्की जो है वो अपने छोटे फ्रेंड को सेलर की स्टेयर से नीचे लेके जाता है। दे वेंट इन टू ए बिग कबर्ड वेयर दे वो मैनी शेल्फ्स, पहले वो एक स्टेयर्स में क्या होता है, वहां पे जो सेलर होता है वहां पे एक बड़ी कबर्ड होती है और वहां पे बहुत सारी शेल्फ्स होती है। ऑन द शेल्फ्स वो पैकेट ऑफ बटर एंड शुगर, और शेल्फ्स में क्या होता है, पैकेट मतलब बटर के पैकेट होते हैं और शुगर होता है। दे वो टिन्स ऑफ ग्रेन्स एंड जैम्स, और वहां पे ग्रेन्स के टिन यानी कि ग्रेन्स अनाज के टिन और जैम्स भी होता है। ओवर हेड हंग बंचेस ऑफ ऑनियंस, और उसके ऊपर टंगे होते हैं, सिर के ऊपर टंगे होते हैं ऑनियन के बंचेस, एंड दे वो स्पाइसी पिकल्स इन जार स्टैंडिंग अबाउट, और एक स्पाइसी पिकल्स यानी कि स्पाइसी अचार जो है वो जार्स में खड़े होते हैं। इट स्मेल सो गुड डेट इट वेंट टू लिटिल मिस्टी हेड, जो पिकल है वो इतना अच्छा स्मेल कर रहे होते हैं कि मिस्टी के हेड यानी कि दिमाग में वो चढ़ जाती है स्मेल। ही रैन अलोंग द शेल्फ, वो जो है शेल्फ वह जल्दी से भागते हैं शेल्फ की तरफ, एंड निबल डेट सम ग्रेन हेयर, अब जो है वो तेजी से भागती है मिस्टी जो है वो तेजी से भागकर और कुछ ग्रेन जो है खा लेती है, एंड ए बिट ऑफ बटर देयर, तो वहां पे एक बटर भी होता है, एक छोटा सा बटर भी लेती है। अंटिल ही सा एंड स्पेशली रिच डिलीशियस स्मेलिंग पीस ऑफ चीज ऑन ए फनी लिटिल स्टैंड, अब उसका जो ध्यान है वो उसने देखा कि एक बहुत ही रिच टेस्टी और बहुत ही अच्छा स्मेल करने वाली जो चीज है, एक बहुत ही फनी यानी कि फनी सा दिखने वाला जो लिटिल स्टैंड होता है उसके ऊपर रखा हुआ है कॉर्नर में। ही वॉज जस्ट अबाउट टू पुट हिज टीथ इन टू इट वेन मिक्की सा हिम, अब वो बस अपना जो दांत है वो बस उसमें लगाने ही वाला था कि मिक्की ने उसे देख लिया। स्टॉप स्टॉप क्राइड मिक्की, रुको रुको मिक्की ने कहा, देयर दैट इज ए ट्रैप, ये एक ट्रैप यानी कि एक पिंजरा है,
मिस्टी स्टॉप्ड एंड सेड, व्हाट इज अ ट्रैप? मिस्टी जो है वो रुक गया और उसने कहा, ये ट्रैप क्या होता है, पिंजरा क्या होता है? दैट थिंग इज अ ट्रैप, अब उसने कहा, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये जो आप देख रहे हो फर्नीचर स्टैंड, ये ट्रैप है। मिक्की ने बताया, द मिनट यू टच द चीज विद योर टीथ समथिंग कम्स डाउन ऑन योर हेड, जैसे ही आप चीज को टच करोगे अपने दांतों से, कुछ अपने आपके सिर पर आज के गिरेगा और देन यू वर डेड, और उससे क्या होगा, तुम मर जाओगे। देन लिटिल मिस्टी लुक्ड एट द ट्रैप एंड ही लुक्ड एट द चीज, अब उसने मिस्टी ने पहले पिंजरे को देखा और चीज को देखा, और मिस्टी जो है पहले क्या करती है, मिस्टी जो है वो बहुत, मिस्टी गॉट वेरी सरप्राइज एंड ही लुक एट द ट्रैप एंड चीज पॉट एंड ही लुक्ड एट मिक्की, और उसने मिक्की को भी देखा। इफ यू विल एक्सक्यूज मी, अगर तुम मुझे बख्श दोगे, ही सेड, उसने कहा कि भाई अगर अब तुम मुझे बख्श दोगे, क्योंकि वो बहुत डर जाता है, क्योंकि क्या होता है कि पहले वो कुक्स आता है तो वो डर जाते हैं, फिर कैट आती है फिर वो डर जाते हैं, और अब की बार तो ये जो ट्रैप है उससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, अब क्योंकि उससे तो वो मर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इफ यू विल एक्सक्यूज मी, अगर आप मुझे बख्श दोगे, ही सेड, आई थिंक आई विल गो होम, तो क्या होगा कि मैं अपने घर चला जाऊंगा। इट इज नाइस टू हैव ब्राउन शुगर रेजिन्स एंड बटर, ये बहुत ही अच्छा है कि मैं ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर रेजिन्स और बटर्स में खाऊं, बट आई डोंट वांट टू बी फ्राइटेंड टू डेथ ऑल द टाइम, लेकिन मैं हर समय, ये बहुत ही अच्छा है कि मैं शक्कर खाऊं, किशमिश खाऊं और बटर खाऊं, बट हर समय जो ये मेरे सिर पे मरने का जो डर है वो सिर पे लगा रहे, ये तो अच्छा नहीं है, इससे तो मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ। आई वुड रेदर हैव बार्ले एंड कॉलीफ्लावर टू ईट एंड ईट इट इन ए पीस एंड कम्फर्ट, इससे तो अच्छा है कि मैं जो खाऊं और गोभी खाऊं, लेकिन मैं उसे कम से कम आराम से और शांति से तो खाऊं। सो मिस्टी वेंट बैक टू हिज होम, तो मिस्टी जो है वो अपने घर वापिस चली गई, एंड देयर ही स्टेड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और ये सोच के जो मिस्टी है वो अपने वापिस अपने घर चली जाती है, और वो अपने जिंदगी, मतलब कि वो अपनी जिंदगी में फिर वहीं रहती है। तो मिस्टी गोट वेरी स्केयर्ड, मिस्टी मतलब कि इन द सिटी व्हाट मिस्टी फील, एक्चुअली शी हैड लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू ईट इन द सिटी लाइक ब्राउन शुगर एंड रेजिन्स एंड पिकल्स एंड ग्रेन्स एंड बटर एंड चीज, बट ही डोंट वॉन्ट टू फ्राइटेन टू डेथ ऑल द टाइम, सो ही डिसाइडेड टू गो बैक इन द ओपन स्पेस, देयर ही कैन ईट बार्ले एंड कॉलीफ्लावर बट इन पीस, सो देयर विल बी नो फियर ऑफ डेथ। सो दिस इज द लेसन, सो आई होप ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दीज क्वेश्चन आंसर्स, सो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, और ये अगर ये जो आपके इनको कंप्लीट करना है, आपने सेक्शन वंस में इनको पढ़ा होगा, तो इसमें आपको ये जो लाइन्स है इनको कंप्लीट करनी है। अब जो बी सेक्शन है, रीड सेक्शन 2 and 3 इन पेयर और राइट ट्रू एंड फॉल्स ऑन द ब्लैंक्स, डिस्कस द रीजंस फॉर योर आंसर विद द पार्टनर, तो दीज आर द ट्रू एंड फॉल्स एंड वी स्टार्ट टू कंप्लीट दिस ट्रू एंड फॉल्स। आफ्टर द कुक वेंट अवे मिक्की एंड मिस्टी एट ए रेजिन, जैसे ही कुक चली गई मिक्की और मिस्टी ने रेजिन्स खाए, इट इज ट्रू। मिस्टी डिड नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ द रेजिन, मिस्टी को टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया रेजिन का, नो इट इज फॉल्स। द माइस हिड इन ए होल टू गेट अवे फ्रॉम बेला द कैट, माइस जो है वो कहां छुप गए थे, होल में छुप गए थे बेला कैट से डर कर, यस इट इज ट्रू। मिक्की देन टुक मिस्टी टू द सेलर, मिक्की जो है वो मिस्टी को सेलर यानी कि अंडरग्राउंड रूम में लेके गया, यस इट इज वेरी ट्रू। मिस्टी एट ऑनियन एंड पिकल्स इन द सेलर, क्या मिस्टी ने वहां पे ऑनियंस और पिकल खाया था, नो उसने ऑनियंस एंड पिकल नहीं खाया था, क्योंकि उसने तो वहां पे बटर और ग्रेन खाया था। मिक्की नियरली एट ए पीस ऑफ चीज इन ए ट्रैप, अब बस मिक्की जो है वो चीज को खाने ही वाला था, क्या उसने वो ट्रैप में जो चीज था वो खाया था, नहीं
खाया नहीं था, वो खाने वाला था लेकिन खाया नहीं था, तो फॉल्स हुआ। लिसन टू योर टीचर रीड सेक्शन 4 डिस्कस इन क्लास। इज दिस स्टोरी अबाउट टू माइस ए कैट और ए कुक? व्हाई डू यू थिंक सो? या दिस इज द स्टोरी अबाउट टू माइस ए कैट एंड ए कुक। यस, क्योंकि जो स्टोरी आपने पढ़ी है उस स्टोरी में दो माइस थे, एक कैट भी थी और एक कुक भी थी। तो यस, दिस इज द स्टोरी ऑफ टू माइस। व्हाट डिड मिस्टी टेल मिकी अबाउट व्हाई ही वांटेड टू गो होम? मिस्टी ने क्या बोला मिकी को कि भाई वो क्यों जाना चाहता है अपने घर? मिस्टी टोल्ड मिकी दैट इट इज वेरी गुड टू हैव बटर रेजिन्स एंड ब्राउन शुगर्स इन द सिटी, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी फ्राइटेंड टू डेथ ऑल द टाइम, सो इट इज बेटर टू गो होम। What did Mickey save Misty from? Mickey ने Misty को किससे बचाया? Mickey saved Misty from the cook, the cat and the trap. Number the sentences about the story in the correct order. So ये sentences हैं और इनको correct order, यानी कि जैसे कि story होती है, story के हिसाब से correct order में लगाना है। So first is मिक्की इनवाइटेड मिस्टी टू विजिट हिम इन द सिटी। मिक्की ने मिस्टी को पहले इनवाइट किया। सेकंड है मिस्टी वेंट टू विजिट मिक्की इन द सिटी। मिस्टी जो है वो मिक्की से मिलने जाती है। उसके बाद में तीसरा है फर्स्ट मिक्की टुक मिस्टी टू सी ए कबर्ड। उसके बाद जो मिक्की है मिस्टी को सबसे पहले कबर्ड लेके जाता है। द माइस निबल्ड एट ए बैग ऑफ शुगर। अब जो वो सबसे पहले शुगर खाते हैं। They had to run away when the cook opened the cupboard. उसके बाद वहां पे एक कुक आ जाता है और वो कबर्ड को ओपन करता है, तो उन्हें भागना पड़ता है। Next, Mickey took Misty to eat resin on the top shelf of the cupboard. उसके बाद वो टॉप शेल्फ पे जाते हैं और वो वहां पे रेजिन यानी कि किशमिश खाते हैं। This time they had to run from their lives from when the cat came in. तो तभी वहां पे कैट आ जाती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। फाइनली मिक्की टुक मिक्की टू मिस्टी टू द सेलर। मिक्की जो है वो मिस्टी को सेलर यानी कि अंडरग्राउंड रूम में लेके जाता है। वहां पे क्या होता है, मिस्टी नियरली गॉट कॉट इन ए माउस ट्रैप। वहां पे वो बस मिस्टी जो है वो ट्रैप में फंसने ही वाली होती है। मिस्टी रियलाइज दैट लाइफ इन द सिटी वॉज वेरी डेंजरस। मिस्टी को रियलाइज होता है कि सिटी में जो लाइफ है वो बहुत ही डेंजरस है। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द कंट्री एंड नेवर कम बैक। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने कंट्री में चली जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी। अब ये है व्हाट डिड मिस्टी द कंट्री माउस ईट एट होम। मिस्टी ने जो व्हाट डिड मिस्टी द कंट्री माउस ईट एट होम, अपने घर पे क्या खाती थी वो कंट्री माउस में, वो खाती थी बार्ले एंड कॉलीफ्लावर। Where did Mickey first take Misty? मिक्की जो है वो मिस्टी को कहाँ लेके गई? मिक्की जो है वो मिस्टी को सबसे पहले कबर्ड पे लेके गई, टू द किचन कबर्ड। What was on the top shelf of the kitchen cupboard? अब टॉप किचन के कबर्ड के टॉप शेल्फ पे क्या था? टॉप शेल्फ पे उन्होंने खाया था raisins. Why did Misty go back to the country? मिस्टी जो है वो अपने घर क्यों चली गई? He did not want टू बी फ्राइटेंड ऑल द टाइम, उसे हर समय डरना पसंद नहीं था। Who spoke these lines sent to whom? Write their names. As you know, this is the story of two mouse and all the conversation have between two mouse in Mickey and Misty. So we will read. You should see how I live. तुम्हें देखना चाहिए हम कैसे रहते हैं। किसने कहा था? मिक्की ने मिस्टी को। यू मस्ट कम टू विजिट मी, तुम्हें जरूर हमारे यहाँ आके विजिट करना चाहिए, मिक्की ने मिस्टी को कहा। वट इज दैट, यह क्या है? क्योंकि मिस्टी को पता नहीं था कि वो वहां पे सिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसने पूछा वट इज दैट। तो मिस्टी ने पूछा मिक्की को, बट आई विल टेक यू टू द सेलर, लेकिन मैं तुम्हें सेलर यानी कि छोटे रूम में लेके जाऊंगा, मिक्की ने कहा मिस्टी को। What is a trap? Trap क्या होता है? मिस्टी ने पूछा मिक्की से। Did Mickey like the food in the country? क्या मिक्की जो जब कंट्री में गया तो उसे खाना पसंद आया था? No, Mickey did not like the food in the country. What did Misty eat from the kitchen cupboard? मतलब मिस्टी ने किचन कबर्ड से क्या खाया था? Misty had eaten from the kitchen cupboard
मिस्टी हैड ईटन ब्राउन शुगर एंड रेजिंस फ्रॉम द किचन कबर्ड. व्हाट डिड मिस्टी ईट एज फास्ट एज ही कुड. मिस्टी ने तेजी से क्या खा लिया. मिस्टी हैड ईटन रेजिंस एज फास्ट एज ही कुड. व्हाट वर द थ्री डेंजर्स द माइस रैन अवे फ्रॉम. द थ्री डेंजर्स वर द माइस रैन अवे फ्रॉम द कुक, फ्रॉम द कैट एंड फ्रॉम द ट्रैप. What did Mickey think of life in the country? Mickey ने क्या सोचा कंट्री की लाइफ के बारे में. Mickey thought कि the mouse lived in the country do not have very good food to eat. What you also have wanted to go home to the country if you were Misty. मतलब कि अगर आप मिस्टी होते तो क्या आप वापिस अपने घर जाना चाहते कंट्री में. यस इफ वी वुड हैव मिस्टी वी वुड वॉन्टेड टू गो बैक होम टू द कंट्री. सो दीज आर द लेसन एंड आई होप ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड दिस इज द स्टोरी. आई होप ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस लेसन्स वेरी वेल. If anybody have any query or any message or suggestions, you can write in the comment. And अगर आपको हमारी ये जो story narrating है वो पसंद आई हो तो please इसे like करना और share and subscribe करना. channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें. और मिलेंगे हम अपने next lesson के साथ. तब तक के लिए bye bye.